चुनाव को लेकर सतर्कता, होटल धर्मशाला के साथ वाहनों की सघन चेकिंग के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। मनासा में विधानसभा चुनाव के 72 घंटे पहले कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी ने दल बल के साथ अलग अलग स्थान पर चेकिंग अभियान चलाया। मंगलवार देर रात को सड़क पर निकली प्रशासन की टीम ने दो पहिया, चार पहिया वाहनों की चेकिंग की। साथ ही मनासा नगर की समस्त लाश, धर्मशाला, गेस्ट और होटलों पर पहुंचकर यहां रुके लोगों और यात्रियों की जानकारी ली। मामले पर रिटर्निंग ऑफिसर SDM पवन बारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आगामी 72, 48 और 24 घंटे के अंदर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में यह अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है कि चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन ना हो। आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पेड और फेक खबरों पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान सभी तरह के प्रचार प्रसार पर नजर रखने के लिए मीडिया मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन सेल का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मनासा के अनुविभागीय कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मनासा क्षेत्र की हर प्रकार की लेटेस्ट न्यूज की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज। अगर हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।